Program is to clear concepts of Islam which have been made controversial in mainstream media. Road to Heaven. This program is based on Islahi lectures on variety of topics. Mawla ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kulli. The objective of this program is that Islam covers all aspects of life in this world and tells about the life after this temporary one. There are so many topics related to mankind and Islam has something to say about it. This program will cover all different topics. This will enhance understanding of Islam and broaden one's mind. Assalamu alaikum nazreen, Alemonet program ke saath main hu aapka host Adil Alem. Intellect Talk ke pehle program mein aap sabko dil ki gehraiyon se khushamdeed. To ye hai ki ijtihad un masalon mein hota hai jin masalon ka koi hal na mil. Allah Rabbul Izzat ne Hazrat Musa alaihi salatu wassalam aur Firaun ke waqiye ka zikr kiya ke koi amal Allah ke yahan qabil qubool nahi ho sakta jab tak ke wo Allah ke nabi sallallahu alaihi wasallam ke tareeqe ke mutabiq na. अपनी उम्र में इजाफे की दुआ मांगना कोई गलत नहीं. का अमल अल्लाह के रास्ते में लड़ने वाले का अमल और एक डाकू का अमल या डॉक्टर का अमल और मुजाहिद का अमल एक जैसा नजर आता. अगर माली वसत के साथ होता तो जिस घर के बारे में कहा जा रहा है कि वहां दो महीने चूल्हा नहीं जला करता था उस घर के अंदर मेहमान नवाजी का तसव्वुर कि दुनिया के अंदर निजाम आदल का इजरा कर सके और वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं गैर मुस्लिमों के लिए. कि शरीयत से मुराद सिर्फ सजा ही सजा है और जहां भी नाफरमानी है वहां पर हाथ काट दिए जाएं, कोड़े लगाए जाएं, सर कलम कर दिया जाए. और जो ये भी कहा है कि ये तो चाहते हैं कि हिस्पानिया से इंडोनेशिया तक खिलाफत बना दे तो खाब तो दे आ रहे. मोहतरम वाजिद शमसुद हसन साहब ने पिछले दिनों एक बयान दिया कि हुकूमत पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए. अल्लाह पाक फरमाता है इल्ला मन तौबा, तौबा उस शख्स की कबूल होगी कि जो तौबा करे. अब यहाँ तौबा से मुराद रुजू करे अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ, पलटे वापस आए अल्लाह की तरफ आए. टीवी चैनल को गलत मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा गुनाह है. कर्नल इमाम, उन्होंने पूछा कि वो हमें अभी कहानियाँ सुनाएंगे कि तालिबान ने इनके साथ क्या क्या जुल्म किए हैं, क्या क्या ज़्यादतियाँ की हैं. उन्होंने उनसे पूछा, उन औरतों ने ये कहा कि जी वो इंसान नहीं थे, वो फरिश्ते भी नहीं थे, वो फरिश्तों से भी आला कोई मखलूक थी. उनमें शर्म हया इतनी थी जितनी कि हमारी औरतों में भी नहीं होती. जुनेद जमशेद, कि अब यहाँ के लोग अगर दीन सीखने की कोशिश नहीं करेंगे तो दीन पर चल सकते हैं? दीन तो फिर भी सीखना पड़ेगा अगर दीन पर चलना है. और अगर दीन सीखने की मेहनत नहीं होगी मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तो आराम से ये दीन जो है हमारी जिंदगियों से निकल जाएगा. ठीक है, फिर चाहे आप नाम कुछ भी रखें, मकसद कुछ भी हो, मुसलमान तो होंगे, इस्लाम नहीं होगा. शाहिद आफरीदी, अब अगर आप सईद अनवर और जुनेद जमशेद वगैरह की ज़िंदगी देख लें तो बड़ी ज़िंदगी, बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे हैं. जो कि वो कह रहे हैं कि हमें जो मज़ा अब आ रहा है ज़िंदगी गुजारने का वो पहले नहीं था. और आई थिंक काफ़ी सारी यूथ जो है वो उसको उन चीज़ों को फॉलो कर रही है. तो डेफिनेटली बात देखें, अब अगर मैं आपसे कोई अच्छी बात करूँ, जब तक मैं उस अच्छी बात को खुद फॉलो ना करूँ तो आप पे भी असर नहीं होगा. तो बात यह है कि जब तक मैं खुद अपने आप को एक अच्छा मुसलमान ना बनाऊँ और क्या मैं दूसरों को जाके बात करूंगा. तो पहले मेरी अपनी कोशिश है कि मैं अपने आप को एक ठीक करूं, एक अच्छा मुसलमान की शक्ल में अपने आप को लेके आऊं. और मैं मेरी ख्वाहिश है कि मैं अच्छा मुसलमान, अच्छा क्रिकेटर बनूं या ना बनूं, लेकिन एक अच्छा मुसलमान बनना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. और अच्छा मुसलमान बनने के लिए ऑब्वियसली आपको कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती है. जिस तरह दीनी दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं, तो दीनी तालीम हासिल करने के लिए आपको अल्लाह के रास्ते पर निकलना पड़ेगा. यहाँ की स्पीशीज़ जो है बाहर से उनकी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाया करती थी, तो इस तरह तो मैंने खैर कुछ नॉलेज ले ही लिया. बहरहाल इसी दौरान मैंने सोचा कि अब जो है ये बहुत बड़ा चैलेंज है
के एनवायरनमेंट में रहते हुए क्यों ना रेप्टाइल्स को बेस बनाएं, क्योंकि एक तो थोड़ा सा इंटरेस्ट भी है। अगर आप देखें बच्चे बूढ़े जवान चैनल्स पे सांपों के प्रोग्राम आते हैं, वो बड़े जो है ना इंटरेस्ट से देखते हैं। तो फिर इसको मैंने बेस बना लिया और फिल्मिंग भी मैंने, आप ये समझ लीजिए कि यहीं से स्टार्ट की। जनरल अब्दुल कय्यूम, बात ये होती है कि जब जो कौम की लीडरशिप है ना, उसका इम्तिहान ही मुश्किल हालात में होता है, चैलेंजिंग एनवायरमेंट्स में आपका स्टेट एक्यूमेंट टेस्ट होता है। और यही तो बात है कि जब इतनी मुश्किलात हैं और वो हमें पता है कि वो स्टोन एज की बात कर रहे हैं और हम मुजरम भी नहीं हैं, हम हमारी तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई अफगानी तालिबान इन्वॉल्व नहीं था, कोई पाकिस्तानी इन्वॉल्व नहीं था, कुछ लोग सऊदी अरेबिया के और कुछ अरब दुनिया के थे, और वो भी जो ब्रिटिश जो वहाँ के अमेरिकन नेशनल थे वो इन्वॉल्व थे। सो देयरफॉर आई थिंक वन कुड डिफ्यूज दैट। यहाँ आपका जो स्टेट्समैनशिप शुड हैव कम इनटू प्ले टू से कि मैंने ये करनी है कि सांप भी मरे और लाठी भी बच जाए, और उस सूरत में उनको बताया जाए कि मैं आने को तैयार हूँ, आप इधर आ जाएं, बैठ के ये टेलीफोन पे बात ना हो और इतने में अपने लोगों को बात करके ये की जाए। जनरल असद दुरानी, अफगानिस्तान की जो आप सूरत हाल बता रहे हैं, वहाँ पर ज़रूर ये जो चीज़ बदली है उसके बाद कई हमारे तशवीश की बात भी है, लेकिन मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि हमारा इतना वहाँ पर कैपिटल है, हमारे इतने दोस्त हैं, एक पुरानी हिस्ट्री है, हमें जो जोग्राफिए का जो एक फ़ायदा है हिंदुस्तान के मुकाबले में, मुझे हिंदुस्तान के वहाँ पर जो काम वो करना चाहते हैं डेवलपमेंट के अलावा, स्पाइनेज करना चाहते हैं, कुछ और कोई सबवर्शन करना चाहते हैं, उससे इसलिए तशवीश नहीं होती कि हम उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। वहाँ अफगान्स हमारे खिलाफ काम नहीं कर सकते और अफगानों के बगैर हिंदुस्तान उन अजायम में अगर वो हैं तो नहीं कामयाब हो सकता। डॉक्टर इसरार अहमद, हाँ सही है बात आपकी कि नंबर एक तो ये कि जो असल जमहूरियत है वो तो वेस्ट की है, हमारे यहाँ तो उसका पौधा लगाया और लगा है कि नहीं लगा है, पनपा है या नहीं पनपा उसको छोड़ दीजिए, बहरहाल तो वहां की पैदावार है और उसका उसूल है अवामी हाकमियत, और ये कुफर है, ये शिर्क है। हाकमियत अल्लाह की है, सरवरी जेबा फकत उस जात बेहमता को है, हुक्मरान है एक वही बाकी बुताने आजरी। तो मगरबी जमहूरियत तो कुफर है और शिर्क है, इसमें कोई शक नहीं। अलबत्ता ये बात अगर हो जाए जो आपने कही है कि ये तय हो जाए कि यहां कानून जो है हाकमियत अल्लाह की, नंबर एक, नंबर दो सुप्रीम लॉ कुरान और सुन्नत, अल्लाह की किताब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, इसके तहत जो है अब एक जमहूरी ढांचा बना लिया जाए तो वो यकीनन ठीक है, वो इस्लामी जमहूरियत होगी। इसलिए कि उसके बाद इस्लाम ये पाबंद नहीं करता आपको कि आप सदारती निजाम बनाएं या पार्लिमानी बनाएं। जनरल हमीद गुल, मई 2001 में मैंने एक मजमून लिखा था कि ये नेटो भी यहाँ आएगी और अमेरिका भी यहाँ आएगा, इनके मकासद जो हैं वो दुनिया को फतह करने के हैं, दुनिया के वसाइल, क्योंकि वो बेशतर वसाइल तकरीबन 78% ऑफ द वर्ल्ड जो एनर्जी रिक्वायरमेंट और दूसरे जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो मुस्लिम वर्ल्ड में हैं, और मुस्लिम वर्ल्ड जो है मज़ाहमत ऑफर करने की पोजिशन में नहीं है। नेटो का काम जो है वहाँ पे यूरोप में ख़त्म हो गया है लेकिन अभी तक वो मौजूद है, तो यकीनन इनके इरादे जो हैं वो बहुत और हैं। बाद में जैसे वाजे हुई बात तो मैंने सबसे पहले ये किया कि पाकिस्तान जो है वो असल निशाना है, बल्कि एक मैंने जुमला तराशा उसके लिए कि 9/11 एक बहाना था, अफगानिस्तान ठिकाना है और पाकिस्तान निशाना है। जनरल मिर्जा असलम बेग, और इसी बात पर मेरे और जनरल परवेज मुशर्रफ के इख्तलाफात हुए सितंबर 2001 में, और उसके बाद न वो मुझसे मिले और न मैं उनसे मिला। मैंने उनको कहा कि एक मुसलमान मुल्क के ख़िलाफ़ हम अमेरिका के साथ मिलकर हमला आवर हों और उस जंग में शामिल हों, उस जंग के ख़िलाफ़ कि जहाँ हमारे अफगान भाई, खुद हमारे पाकिस्तानी, दुनिया जहान से आए हुए लोगों ने हज़ारों जानों की कुर्बानी दी, यानी हम शहीदों के खून का सौदा कर रहे हैं। मैंने कहा अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा।
بہت سخت سزا ہے شہیدوں کے خون کا سودا کر لینا. صدیق الفاروق, پینڈولم کی طرح کبھی ایک ایکسٹریم ہے مارشاء اللہ ہے, کبھی جمہوریت ہے, اور جو مارشاء اللہ کے جو لوگ ہیں یا آپ کہہ لیں جنرلز, وہ پیچھے بیٹھ کے اپنی ڈکٹیشن, جب کبھی یہاں سیولین سیٹ اپ بھی ہوا ہے تو وہ اپنی ڈکٹیشن دیتے رہے. تو اس لحاظ سے ہمارے ہاں سب سے بڑی جو خرابی ہے, کمزوری ہے, وہ ایک آئینی اور جمہوری نظام کا عدم تسلسل, اور بار بار اس نظام کے ٹوٹنے سے ادارے خراب ہوئے ہیں, عوام میں بھی برداشت اور تحمل کا مادہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں نہیں پیدا ہوا, معاشرے میں ایک جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ انتہا پسندی نہ کہیں, یعنی معاشرے میں جو اعتدال ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. لیکن اس سے بھی اگر آپ یہ دیکھیں تو اس وقت جو اچھی جو خوبیاں ہیں وہ میری قوم جب بھی کبھی اکٹھی ہوئی ہے, 47 میں پاکستان بنانے کے لیے اکٹھی ہوئی, اس کے بعد آپ نے دیکھا پی این اے کی تحریک میں اکٹھی ہو گئی, اس کے بعد آپ دیکھیں تو زلزلے میں اکٹھی ہو گئے, ساری قوم نے زلزلہ زدگان کی مدد کی. زید حامد, ہم نے اس وقت کے حالات کے مطابق اس کا تجزیہ کیا تھا کہ یہ سارے مسائل اس وقت کی پاکستان کی کمزور قیادت نے فیصلہ کیا تھا بیٹھ کے, کہ وہ پریشر نہیں لے سکے امریکنز کا. انہوں نے یہی آرگومنٹ دی, یہی جسٹیفیکیشن دی کہ ہمیں سٹون ایج میں بھیج دیا جائے گا, اور ایک خیال یہ تھا کہ یار خام خواہ طالبان ہماری بات تو سنتے نہیں ہیں, ان کی وجہ سے ہم کیوں امریکیوں سے خام خواہ جنگ لیں, ان کو بھیج دیتے ہیں افغانستان میں, افغانستان والے خود نمٹ لیں گے ان کو, کیونکہ تاریخ بھی یہی ہے کہ جو افغانستان میں گیا ہے وہ تباہ برباد ہوا ہے, تو ہم تو بیچ میں اپنے آپ کو نکالیں. اور یہی بات کہ انڈینز جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بیسز دے دیں, یہ ساری آرگومنٹ اس وقت کے حکمرانوں نے دی تھی, اور ان کے خیال میں اس میں ایک دلیل بھی تھی, ایک وزن بھی تھا. خالد خواجہ, جی ہاں, میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ طالبان کسی قسم کی بھی بات کرنے سے پہلے یا کچھ بھی ہے وہ یہ یقین حاصل کرنا چاہیں گے کہ یہ یہاں سر سے مکمل طور پر جائیں, اور ان کے جو مکروہ قسم کے عزائم ہیں وہ یعنی